28 अंक बहुत ज्यादा रहते हैं, तो एक बार चलते हैं वर्ल्ड स्टैंडिंग के ऊपर एंड भाई भी चेकआउट करते हैं सब कुछ। ओ, पहले दिन पर ग्रैंड फाइनल्स 25 लाख सी रुपए का जिसका प्राइस पूल स्काईलाइट्स यहां पर आपको मिलती है 89 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर। टीएसएम आपको मिलती है उन्हें चेस करती हुई 77 पॉइंट्स के साथ। बहुत बाकमाल खेला स्काईलाइट्स गेमिंग, 50 फिनिशेस के ऑलमोस्ट करीब ये जा चुका है। देखिए 6 मैचेस में ऑन एन एवरेज हम डिमांड करते हैं कि 60 पॉइंट्स हो। चैंपियनशिप 3.0 में हमने एक मेटा निकाला था कि 10 पॉइंट्स पर मैच का एवरेज एंड टूर्नामेंट में टॉप टू टॉप थ्री इज काइंड ऑफ इजी। फिर हमने कुछ दिन पहले इसको मॉडिफाई करा है, 10 नहीं हमने 12 पॉइंट्स का उसको एक पूरी टीम पैटर्न देखने को मिल पा बनाकर। रही थी, बट फिलहाल के लिए अब टीम फॉरएवर भी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। बढ़ते हैं अब सेकंड लिस्ट की तरफ और चेकआउट करते हैं यहाँ पर कितना फासला है। तो ऑरेंगोटेन भी ज्यादा पीछे नहीं है क्योंकि 45 वहां पर था, 42 यहाँ पर, यानी इनके पास भी एक बढ़िया मौका है। लेकिन यहाँ तो सब रेड में ही हमें खिलाड़ी नजर आ रही है। टीम्स ने यहाँ पर एक गिरावट देखी इधर। देखिए ओरैंगुटैन थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, बट अभी मैं कह सकता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा लीड का डिफरेंस नहीं है। 32, 31, 29 तक का भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट गॉड लाइक काफी पीछे। मैंने बहुत कम बार ऐसा देखा है कि सिर्फ 6 पॉइंट्स में टोटल 20 पॉइंट्स निकाल पाया हो गॉड लाइक। बट हाँ, जो इनका स्टाइल है वो अभी भी मेंटेन है। मतलब अगर 20 भी पॉइंट्स है ना, तो उसमें से भी 18 फिनिशेज हैं। मतलब प्लेसमेंट पॉइंट सिर्फ 2, इनसे कम फिनिश पॉइंट्स और पोजिशन पॉइंट्स किसी के पास है ही नहीं। बट प्लेसमेंट पॉइंट्स के अलावा अगर आप दूसरा सेगमेंट देखते हैं तो वो काफी बेहतर है। बट ऑल एंड ऑल अक्यूमुलेट करके अगर आज के दिन का हम रिजल्ट रखे गॉड लाइक के लिए, तो इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड डे। ऐसे दिन बहुत कम हमने देखे, बट हम जानते हैं ये एक कमबैक करने वाली टीम और कल के दिन पे बेहतर करती हुई मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि कल कुछ बढ़िया मैचेस हमारे सामने आएंगे। अभी हम नजर डालते हैं हमारे टॉप 5 फ्राइगर्स की लिस्ट की और लेट्स सी कौन वो हो सकता है। आई थिंक दिस विल बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो कि स्काई स्पोर्ट्स मोबाइल ओपन में या फिर चैंपियनशिप 3.0 के ग्रैंड फाइनल्स में जोनाथन का नाम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कास्टर्स यही सेगमेंट लेते आए हैं कि उस नाम के बगैर जीएफएक्स नहीं बनता है टॉप 5 फ्राइगर्स का, बट अभी तक जोनाथन नहीं है। बट आगे आपको मिलेंगे इस बात की एश्योरिटी है।